ये पोज है मतलब ये शॉर्ट्स है तो हो गया भाई क्या कर रहे हो गाना अभी नहीं देखा मैंने लेकिन मैं देखा देखा ओके ठीक है ठीक है जल्दी मतलब हम देखेंगे आप कह रहे हो करेंगे आप लोगों के डेब्यू के लिए जी थैंक यू. तो सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि डेब्यू करके कितने एक्साइटेड हैं आप लोग. बहुत ही एक्साइटेड है डेब्यू को लेकर क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये YRF का जो बैनर है वो नहीं मिल पाता और बहुत सारे लोगों की इच्छा अधूरी रह जाती है बट आप लोग हमारे सामने लाइव प्रेजेंट है. सो लेडीज फर्स्ट जी. बहुत ही एक्साइटेड बहुत ही मिक्स फीलिंग्स हैं एक्चुअली मेरे में. एक्साइटमेंट है नर्वसनेस है पहली फिल्म है लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुलनेस है मेरे में यशराज के लिए और हबीब सर आदि सर शानू जिन्होंने मतलब उन्होंने मेरे में पोटेंशियल देखा तो आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम मुझे ये पिक्चर देने के लिए. सेम यार मिक्स ऑफ इमोशंस एक्साइटेड नर्वस एंक्शियस पहली पिक्चर है. I don't know के लोग को you know what responses we'll get but so far everything's been good. touch wood you know लेकिन अच्छे मिल रहे हैं. हाँ बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं लोगों को क्योंकि पहली आप लोगों का डेब्यू और millions of trailer का views आप लोगों ने देखा. बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए. बहुत ही बड़ी बात है तो आई थिंक रिस्पॉन्सेज अच्छे रहे अभी तक तो आई एम वेरी हैप्पी ग्रेटफुल फॉर दैट. यस डेब्यू पिक्चर है बहुत ही ऑडिशंस दिए हैं हमने इस पिक्चर को पाने तो इट्स अ बिग डील फॉर मी. सपना था मेरा एक्टर बनने का और पूरा हो रहा है अभी पूरा हो गया. पिक्चर आ रही है यू नो तो अभी इट्स जस्ट एन एक्साइटिंग फीलिंग. आई एम वेरी थैंकफुल टू आदि सर टू सी दैट पोटेंशियल ऑल्सो इन मी टू मिस्टर हबीब सर फॉर टीचिंग मी सो मच. बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने एंड फॉर शानू फॉर फर्स्ट स्पॉटिंग अस रियली एंड एट अ कॉफी शॉप. मी टू कॉफी शॉप वर्सोवा में. ओके तो आपका भी ऐसा कुछ सपना था कि एक्टर बनना है ऐसा क्योंकि इन्होंने इनका इन्होंने कहा कि मैं मुंबई एक्टर बनने आई थी. हाँ तो मम्मी ने एक साल दिया और मैंने सब कुछ छोड़ के सिर्फ एक साल क्योंकि उन्होंने बोला अच्छा करना है तो जाओ एक साल में जो भी कर सकती हो तुम करो अगर होता है तो अच्छी बात है नहीं होता तो ठीक है तुमने ट्राई किया. तो बॉम्बे आई और मैं मुझे याद है मैं एक वर्कआउट के लिए जा रही थी तो मैं वॉशरूम यूज़ करने गई थी और वहाँ शानू शर्मा बैठी थी तो उन्होंने मुझे देखा और पूछा ऑडिशन करना चाहती हो और मैंने बोला हाँ. तो फिर अगले दिन से मेरे ऑडिशन चालू हो गए और 2 महीने के लिए चले और फिर मुझे फिल्म मिल गई. वाह बहुत लकी आप एक साल के अंदर आपकी फिल्म भी आ गई और हम सभी यहाँ पे इंटरव्यू के लिए ये बहुत ही सरियल है हमारे लिए. इसके पहले हम कभी कोई प्रमोशंस किए भी नहीं तो बट ये बहुत ही एक्साइटिंग है क्योंकि हम अपने पिक्चर के बारे में बात भी कर सकते हैं लोगों को हाँ लोगों से तो इट्स एक्साइटिंग इट्स अ गुड मोमेंट फॉर अस वेरी न्यू. अब फिल्म के किरदार के बारे में जानना चाहिए क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा आप लोग कहीं जेल में आप लोग कुछ दिखाई दे रहे हैं आप लोग और पोस्टर में भी हमें देख रहा है कि जेल के अंदर काफी एंजॉय भी कर रहे हैं ये आप ये गिटार ये और आपका लुक देखिए काफी वो टशन वाला. थैंक यू. जेल में हम एंजॉय तो नहीं कर रहे हैं. जेल की लाइफ क्या होती है किसी को मालूम नहीं है. नहीं 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 मतलब इट्स वेरी हार्ड बहुत ही चैलेंजिंग है यार. इट्स अ वेरी डेंजरस प्लेस ऑल्सो टू बी इन. ये लड़का जो है संजू 21 साल का है. ही इज अ गाय विद बिग होप्स बिग एम्बिशंस लाइक एनीवन एल्स. तो वो जेल में बैठा है बेचारा तो ही इज बिकम अ वेरी टफ गाय कि वो बहुत कुछ सीखा है जेल में रह के धंधे वो कुछ ना कुछ धंधे करते रहता है वो जुगाड़ करते रहता है खर्चे पानी के लिए. वेरी स्ट्रीट स्मार्ट मुफट है वो और या हाइट में ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि आई विश के आप लोग सब आए पिक्चर देखें और जेल में वो गिटार भी बजा रहे हैं जी क्योंकि अपना जेलर अपने जेलर साहब जो है देवेंद्र धुलिया. हाँ हाँ तो जेलर साहब जो है देवेंद्र धुलिया स्वतंत्रता दिवस के लिए उसे एक हाँ एक ऑर्केस्ट्रा बनाना है तो ये 700 लोग साथ में आते हैं एक बैंड फॉर्म हो जाती है और मिलते हैं जो होता है वो होता है. चलिए आपके किरदार के बारे में जाना क्योंकि हमने देखा कि
जो मैंने ट्रेलर में देखा बहुत ही टशन से आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, मेरे पैसे दे, वो अंदाज में अगर एक कुछ अगर आप करना चाहें तो क्या एक डायलॉग वो जो आप किसी से पैसे मांग रहे हैं कि ऐसा एक डायलॉग है ट्रेलर में हमने देखा, तो अगर आप कोई भी यार कोई भी एक डायलॉग अगर या साथ में डायलॉग साथ में कोई भी जो हमारे साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है, आप अपनी फ्रीडम संभाल के रखना, ये हमारे साथ कर रहा है, हमारे साथ नहीं है वो टेलर में है, हम सब लोगों को बोल रहे हैं। नहीं जैसे उन्होंने कहा कि वो जेल में रहकर टफ हुआ है, सर्कमस्टांसेस आपको टफ बना देते हैं, तो ये लड़की जो 20 साल की है वो भी जेल में रह के टफ बनी है, क्योंकि जो उसका है उसके वो उसके लिए उसको लड़ना पड़ता है, यू नो ऐसे ही होता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है यहाँ पे, और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक लड़की है, बहुत ही इंडिपेंडेंट लड़की है, एंड शी इज़ अ गो गेटर, तो उसके मन में ये है कि मैं निकलने वाली हूँ और उसके बाद मैं सिंगर बनूँगी, तो और ये उसका ड्रीम है और उसको लगता है ये ही होगा, तो शी दैट इज़ अ ऑप्टिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म कीप्स अ गोइंग, तो दैट इज विंध्या चड्ढा फॉर यू। And it's also how music brings out the best in some people, huh? In music everyone. Music really therapy hai. Therapy hai. It sets them free in some way or the other. You all will see how. Lekin music is a big part of the movie. Heart or soul hai feature ki. To dekhiye. तो इंडस्ट्री से अब क्या कुछ रिस्पांस मिल रहा है आपके दोस्तों का क्या कुछ फीडबैक आ रहा है सबसे क्योंकि आपके फैमिली मेंबर तो हम देख रहे हैं सब एक्टर की ऐसी लिस्ट है तो उनका कुछ देखने के बाद ऐसा कुछ रिस्पांस सब लोगों को बहुत पसंद आया मेरी नानी से लेके रणबीर तक मेरे भाई अरमान मम्मी पापा दे ऑल वेरी प्राउड कि पहली पिक्चर आई है एंड दे वेरी गिविंग गुड फीडबैक टू इट द ट्रेलर द फर्स्ट सॉन्ग आई एम इंडिया इज अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी मेरे सारे टीचर्स स्कूल से दोस्त लोग दे ऑल कॉलिंग मी अप एंड मैसेजिंग मी तो बहुत ही बढ़िया फीलिंग है आप बताएं कोई फीडबैक ऐसा जो आपके लिए या आपकी मम्मा ने जब ये आपको दिखाया क्योंकि आपने उनको बोला कि सिर्फ एक साल का टाइम है और आपने दिखाया कि मम्मा देखो एक साल में देखो फिर पिक्चर भी आ गई व्हाई आर आई थिंक मम्मा के साथ कभी ये नहीं बोलोगी देखो मम्मा मतलब मेरी पिक्चर आ गई आपने एक साल का टाइम दिया था और हमने थोड़ा सा जो कुछ भी हो सका वो हाँ नहीं डेफिनेटली वो फीलिंग है मुझ में कि मुझे पता नहीं था क्या होने वाला है जब मैं यहाँ आई थी और एक साल में ये मेरे साथ मेरे सपने पूरे हो गए हैं मैं बहुत ही हैप्पी बहुत ही ग्रेटफुल हूँ तो एक्चुअली ये वाला नहीं है इट्स मोर लाइक थैंक यू गॉड वो वाला फीलिंग आता है मुझ में और मेरी मम्मी में लेकिन मेरी फैमिली बहुत प्राउड है बहुत हैप्पी है और उन्होंने मुझे कभी देखा नहीं है एक्टिंग करते हुए तो ये पहली मेरा ट्रेलर उनके लिए वो पहला लुक था बहुत हैप्पी है खुश है कि मैं कुछ कर सकती हूँ और हाँ मेरे दोस्त लोग सब बहुत प्राउड हैं तो जो पहली बार मम्मी ट्रेलर देखी थी शी वाज क्राइंग सो बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग था उनके लिए क्योंकि शी नेवर नेवर बीन टू फिल्म सेट माय फिल्म सेट टू सी मी क्योंकि मैं एक्चुअली कॉन्शियस हो जाता था इफ मम्मी केम टू सेट सो शी वाज जस्ट क्राइंग उनके फ़ोन पे गणपति जी का एक फ़ोटो है उन्हें ट्रेलर को दिखा रही थी टू सी गणपति बाबाज ब्लेसिंग्स तो दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी यू नो टू वॉच माई मदर इन टीयर्स एंड जस्ट बी हैप्पी एंड प्राउड सो दैट वाज द बेस्ट रिस्पॉन्स आई कुड हैव गेट कुड हैव गॉट फ्रॉम एनी फिल्म फैन जब रणबीर कपूर जी से आप पहली बार मिली तो उन्होंने क्या कुछ टिप्स दिया उन्होंने क्या कुछ बताया या क्या कुछ बात हुई आप क्या बताए क्योंकि आई थिंक वो आपके फेवरेट भी रहे होंगे इससे पहले रणबीर जी कपूर दोनों मैं दोनों का काम बहुत एडमायर कर रही हूँ करती हूँ लेकिन मैं उस दिन बहुत नर्वस थी तो जब मैं बाहर गई थी मुझे याद है रणबीर कपूर खड़े थे और मैं बस ये कहती रही थी I'm so nervous, और मुझसे वो कुछ पूछ रहे थे लेकिन मेरे मन में मैं इतनी नर्वस थी कि मैं बात नहीं कर पा रही थी तो मैं बस I'm so nervous, I don't know what to do. तो ऑनेस्टली बहुत ही मैंने बात नहीं की उनसे तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती लेकिन हाँ उन्होंने बोला कि तुम लोग एक्चुअली बहुत काम लग रहे हो जब मेरा पहला डेब्यू था जब मेरा लॉन्च था तो मैं मेरे पैर तो हिल रहे थे मैं शेक कर रहा था बहुत ज़्यादा नर्वस था गला बैठ गया था वो रो रहा था स्टेज पर तो उन्होंने कहा मुझसे कि यार आप बड़े कॉन्फिडेंट हो आप ठीक से बात कर रहे हो ऐसे नहीं यार हम भी बहुत ही नर्वस है बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए बट इट वाज अ गुड फीलिंग टू हैव हिम To have Ranbir Bhaiya on stage with me, वो उस time पर जगह जासूस के promotion से बहुत ही busy थे लेकिन फिर भी आए मेरे लिए तो very grateful for that. Yeah, I think. And Anushka came for her, which is actually your favorite actress, huh? Anushka. हाँ.
अनुष्का एक्चुअली रियली काम मी डाउन, बिकॉज मैं बाहर उनसे बात कर रही थी जब ये स्टेज पे थे. तो बहुत नॉर्मली हम अपने फैमिली ये वो के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि दोनों आउटसाइडर्स हैं. तो आई थिंक जब वो भी स्टार्ट ऑफ कर रही थी शी मस्ट हैव फेल्ट द सेम वे जैसे मैं फील कर रही थी. तो वो नर्वसनेस उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. तो बहुत आई थिंक शी उन्होंने बहुत ख्याल रखा मेरा स्टेज पे अगर आपने देखा था. हाँ तो बहुत प्रोटेक्टिव थी मेरे बारे में एंड शी इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स सो आई वाज वेरी वेरी हैप्पी. ओके आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इंडस्ट्री में आने से पहले हमने बात भी की कि आपके घर में से एक्टर की लिस्ट तो आप बताइए कि इंडस्ट्री में आने से पहले आप किन किन एक्टर को आप काफ़ी एडमायर करते थे, किन किन एक्टर की आप फिल्में देखते थे? मेरे नाना जी राज कपूर, मैं उनकी बहुत ही बड़ा फैन हूँ, सारी पिक्चर्स देखा हूँ मैं. उनके सबसे फेवरेट पिक्चर, मेरा सबसे फेवरेट पिक्चर उनके है मेरा नाम जोकर. जब मैं और अरमान छोटे थे वी डिडंट नो आवर ग्रैंडफादर, तो मम्मी हमेशा हर रात मेरा नाम जोकर लगाती थी एंड वी यूज टू वॉच खाना खा के. वी डिडंट नो, वी एक्चुअली थॉट के नाना जी एक जोकर है फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. तब बड़ा हुआ फिर उनके सारे अलग अलग पिक्चर्स देखे, देन आई दैट्स व्हाट अंडरस्टूड व्हाट अ ग्रेट मैन ही वॉज, the kind of contribution he had to Indian cinema. I love my grandfather. I'm inspired by him completely. उसके अलावा उनके अलावा मुझे शाहरुख खान, I worked with शाहरुख खान also Happy New Year पे, मैं assistant director था वहाँ पे. ओके तो just to watch him यार, the kind of work ethic he has, you know, इतना काम करते हैं यार, he's really inspiring. And I also worked with Ranbir भैया. good to watch also, really really good to watch. He's a fine actor. So picked up a lot of things from all of them. चलिए आप बताइए कि आप किसे admire करती, male female जो भी आप बता सकते हो. Female कैसे बनना? हाँ दीपिका पादुकोण. दीपिका पादुकोण. Very elegant and she carries herself so well. She's a warm and loving person. I love दीपिका. Love दीपिका. Wow. Now you are. यस मैं एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल गई थी तो बोर्डिंग स्कूल में ज़्यादा पिक्चर्स नहीं देखने को मिलते क्योंकि आप वहीं रहते हो. तो उसके बाद हाँ काजोल मैम, अनुष्का शर्मा, विद्या बालन, रियली एडमायर देयर वर्क, आई एम अ बिग फैन ऑफ देयर्स. करीना कपूर, रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, मेरी लिस्ट बहुत ही लंबी है. आई एडमायर लॉट ऑफ पीपल ऑनेस्टली. ओके तो चलते चलते एक आखिरी सवाल ये जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है कि प्रेजेंट टाइम में हमारी इंडस्ट्री में एक एक्टर जो है देखा जाता है कि मल्टी टैलेंटेड होता है. एक एक्टर जल्दी प्रोड्यूसर भी बन जाता है, डायरेक्टर भी बन जाता है और सिंगर भी बन जाता है. तो एक्टिंग के अलावा और क्या क्या आप लोग के कुछ प्लान है या क्या दिमाग में है कि इसके बाद हम ये करेंगे, ऐसा कुछ प्लान है आप लोग का? हाँ मेरे दिमाग में ये है कि मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू कैसे होगा क्योंकि अभी मैं अभी इतनी नहीं हूँ कि मुझे ये सब बिल्कुल नहीं है. शौक रखते हो? बहुत अच्छे सिंगर है. हाँ तो फिर कहेंगे एक्चुअली गा के कुछ सिंगिंग के बाद नहीं, पहले आपसे जानते हैं उसके बाद फिर लास्ट में. मैं ड्रम्स बजाता हूँ, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, मैं और क्या मैंने बताया भी था नहीं. मुझे इसको बहुत इंटरेस्ट लेता है कैसे कुछ होता है, क्या होना चाहिए, मुझसे बात करता रहेगा, मुझे बताता रहेगा. तो आई थिंक इसका इंक्लिनेशन वहाँ जाता है. अभी नहीं, शायद थोड़ी साल बाद क्योंकि मैं एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर था ना, तो इसलिए जब मैं सेट पे था सब कुछ ऑब्जर्व करता था मैं. हाउ डी ओ पी फ्रेम्स इज शॉट, हाउ लाइटिंग इज डन, हाउ डायरेक्टर गिव्स इंस्ट्रक्शन, हाउ एक्टर टेक्स इन एन एक्स इट्स मार्क. तो ये सब से मैं बड़ा शौक हूँ. तो आई वॉन्ट टू डू ऑल दीज थिंग्स, आई वॉन्ट टू रन अ सेट वन डे, राइट अ स्टोरी, बट आगे जाके देखेंगे. फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू एक्ट. हां बहुत ही नए हैं हम. हां क्या बोल रहे हैं, हमारा डायरेक्टर देखेंगे एज एन सिंगर सब का रखता हूं मैं करेंगे. तो अब वो कोई एक गाना गाने वाले थी, आप इनके साथ सपोर्ट करेंगे इनका? ऑफ कोर्स. देखो मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में मैं सोचता हूं कि मैं सबसे अच्छा सिंगर हूं. हम सब यही सोचते हैं. आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, आपका जो फेवरेट है जो आप गाना? हम आई एम इंडिया गाएंगे क्योंकि वे भी लॉन्च हुए आई एम इंडिया कैदी बैंड से. आई एम इंडिया हुक लाइन. तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है, और इंडिया. आई एम, आई एम, आई एम, आई एम इंडिया. वाह क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू सो मच एंड विश यू
थैंक यू सो मच थैंक यू गाइस इतना अच्छा था।